हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बहुत सारी शिकायत है आप लोगों से, बिल्कुल भी आप लोग इस समय चैनल को ना तो अपना प्यार दे रहे हो ना ही लोगों तक पहुँचा रहे हो। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करना बंद कर दोगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो चलिए, थोड़ी शिकायत थी जो आप लोगों से कर दी मैंने। और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 2:30 बज गया होगा। और ये जो ब्लॉग है, आज है पूर्णिमा, तो आज मेरा फास्ट है। स्कूल से आई थी, थोड़ी लेट गई थी क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और आप सोचोगे ना ये क्या है, तो ये पूर्णिमा का नया टेंट आया है। उसने टेंट मंगाया था, बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मा मंगा दो। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और ये बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि बार बार फोल्ड कर नहीं सकते और दिन भर वो खुलवाएगी कि मम्मा खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसलिए इसको अभी ऐसे ही खुला रखा है, देखिए बिस्तर पे ही रखा हुआ है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ। चाय वाय पीने का मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था, बट सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो चाय पी लूँ, उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी। तो नॉर्मल पूजा ही जैसे करती हूँ वैसे ही करूँगी। मेरा बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। ब्रेथ में ना मुझे ऐसे ही डर लगा रहता है कि कहीं सर ना दुखे, कहीं सर ना दुखे, और फिर वो दुखने ही लगता है। तो चलिए पहले बना लेती हूँ चाय और पी लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए, उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करूँगी। कुछ खास पूजा की तैयारी नहीं करनी, बस नॉर्मल पूजा की तैयारी करनी है। और लेटने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि काम सब करना ही है मुझे। पूर्णिमा है नहीं, वो गई अपनी फ्रेंड के घर, और बस यही है। तो चलिए पहले बनाती हूँ चाय। और इस समय पता नहीं क्या हो रहा है मेरे वहाँ, क्या है ना, स्कूल जाते हैं हम लोग तो जो पानी पीते हैं, बॉटल से पानी पीते हैं, तो पानी खड़े होके पीने की आदत हो गई है, तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। और यहाँ भी जब आदमी घर पर भी रहता तब भी इतना ध्यान नहीं देता, खड़े होके ही पानी पीता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी उम्र हो रही है अब लगता है। तो चलिए बना लेती हूँ चाय, उसके बाद फिर पूजा की जब तैयारी करूँगी तो फिर आप लोग से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और पूजा की सारी सामग्री भी मैं तैयार करके रख ली थी। और ये वीडियो सोचिए 14 तारीख का है, लेकिन मैं एडिट करा हुआ रखा था बट मैं पोस्ट नहीं की, क्योंकि मैं पता नहीं कि अपने चैनल में देख रही थी रोज़ जो फ्रेंड्स आ रहे थे जा रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा कहते हैं ना सक्सेस रेट बिल्कुल हाई होके इतना ज़्यादा नीचे हो गया था कि मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं यूट्यूब ही छोड़ दूँ। और इस समय मेरे स्कूल खुल गए हैं तो मैं स्कूल की तरफ ज़्यादा फोकस करती हूँ अपने, क्योंकि जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं मैं उस पर अभी ध्यान दूँ, वो बेटर हो जाएगा। तो यूट्यूब में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखिए, मैंने साड़ी वेयर कर ली थी ये वाली, और ये बहुत पुरानी साड़ी रखी हुई थी जो मैंने वेयर नहीं की थी, बट आज मैंने कर ली क्योंकि ये ब्लाउज़ भी बिल्कुल अभी न्यू थी, एक बार भी नहीं पहना था, और ये साड़ी भी बिल्कुल न्यू थी। तो पूजा पाठ ऐसे ही कपड़ों में करना चाहिए जो बिल्कुल न्यू हो, तो जूठा उठा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो माननी चाहिए और मानते भी हैं। तो आप लोग को दिखाती हूँ जो मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। बस अब मेरी तैयारी हो गई है, मुझे फटाफट अब करनी है पूजा। तो एक चीज़ और मैं भूल गई थी, वो है पूर्णिमा की व्रत कथा की पुस्तक नहीं ली थी मैंने। हाँ बस, बाकी तो सब कुछ ले लिया है मैंने। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, देख सकते हो ये मेरी पूजन की थाली है जिसमें फूल फल ड्राई फ्रूट्स खीर बनाई है मैंने, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा में खीर का विशेष महत्व होता है, इसलिए खीर बनाई है। वहाँ पर दही है, हवन का सामग्री, और ये अक्षत हल्दी और कपूर वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा तुलसी भी ली है क्योंकि विष्णु जी को तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैंने कलश बना जिसमें मैंने गौर गणेश रखा हुआ है आम के पत्तों पे, ये कलश मैंने जला दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने रखे हैं लड्डू गोपाल, और यहाँ पर मैंने चंद्रमा बनाया है चावल का, उधर मैंने लिखे लक्ष्मी जी गणेश जी रखी है, और रखा है शंकर जी। तो बस, और यहाँ पे मेरी पूर्णिमा वाली पुस्तक भी मैंने निकाल ली जिसमें कथा पढ़नी है हमें। तो कुछ इस तरह से मैंने तैयारी कर ली है भगवान की पूजा की। तो चलिए मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।
इस वीडियो को पोस्ट करने का बस मेरा एक ही मकसद है कि मैं मेरे मन में जितने भी उतार चढ़ाव या जितनी भी बातें चल रही हैं वो सब आप लोगों से आज कहना चाह रही थी इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यूट्यूब क्या है, अगर अपनी लाइफ में कोई चीज़ चलती है, अगर उसमें हम थोड़ा कम ज़्यादा होते हैं तो हम उसको किसी भी तरह करके, मेहनत करके या कुछ भी करके हम उसको सुधार सकते हैं और एक उम्मीद रहती है कि चलो ये सुधर जाएगा। बट यूट्यूब में इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने अच्छे वीडियोज़ डालने के बाद भी मतलब कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इवन हम यहीं पे देख रहे हैं कि दूसरे लोगों का सेम मतलब इवन इससे भी वर्स्ट वीडियो आप बोल सकते हो जिसमें कुछ भी नहीं है। आप देखो मोस्टली लव मैरिज कपल वाले वीडियो, अभी मैं उसका नाम नहीं पता उसका, उस लेडी का एक है अभी वीडियो डालती है वो, उसको शायद इवन 3 मंथ हुए होंगे और बस बकवास करके, बकवास ही बोल सकती हूँ उस चीज़ को और क्या बोलूँ, बकवास करके अपनी झूठी झूठी कहानी बता करके इतनी सिंपैथी हासिल कर ली और आज उसका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, उसका पिन गूगल पिन भी आ गया। तो मतलब हम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं जो इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, 1 साल हो गया इतनी मेहनत करते, इतने वीडियोस बनाते हो और आज देखो तो जहाँ थे वहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइमिंग है यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह बनाना। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सच बता रही हूँ कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो पोस्ट करने का। बट एक तरह से सिर्फ वीडियो पोस्ट इसलिए कर रही हूँ कि देखना चाह रही हूँ कि अभी कितना और टाइम लगेगा, कितने और पापड़ बेलने पड़ेंगे इसमें और आगे जाने के लिए। मतलब बहुत मतलब मेरी मन की जो मानसिकता है ना वो नहीं मतलब हो सकता है आप लोग समझ जाओ। और एक चीज़ और, यूट्यूब में फ्रेंड बनाना, किसी को बोलो फ्रेंड बनना, फिर उनके वीडियोस को अगर आप वॉच नहीं करते तो वो आपकी वीडियोस नहीं वॉच करते। इसलिए मैं मोस्टली जो मुझे मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं मैं उन्हीं के वीडियोस इस समय वॉच कर रही हूँ और आते हैं रहते हैं वीडियोस तो मैं देख लेती हूँ बट कमेंट नहीं करती हूँ, तो लोगों को ये लगता होगा मैं वॉच भी नहीं करती हूँ। तो ठीक है जिसको जो लगे वो करे, बट मोस्टली मैं देख तो सबकी वीडियोज़ लेती हूँ बट कमेंट नहीं कर पाती हूँ, लाइक भी कर देती हूँ। तो बस यही मैं सोचती हूँ कि ठीक है कब तक किससे बोलोगे कि यार प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, और होना तो वही है जो यूट्यूब में डिसाइड किया होगा आपके चैनल के लिए। तो बस यही चीज़ है और यहाँ पे मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो गई थी। मेरी पूजा हो गई है और अभी जो टाइम हो रहा था 6:30-7 बजने वाले हैं, तो अभी चंद्रमा भगवान की पूजा नहीं हुई है, वो जब निकलेंगे तब होगी। बट मैं चेंज करने आई थी साड़ी और साथ ही साथ आज मेरा एक पार्सल आया है, तो ये पार्सल आया है माई ग्लैम से। तो इसमें एक ऑफ़र था, एक आईडी से एक ही चीज़ एक ही बार ऑर्डर हो सकता था, उसमें 399 की जो लिपस्टिक थी वो उन लोग दे रहे थे 99 में फर्स्ट ऑर्डर पे, तो मैंने ऑर्डर किया था। बहुत सारे कलर थे और ये किसकी है सर, मेबली न्यूयॉर्क की लिपस्टिक है, तो मैं आपको खोल के दिखाती, बड़ी एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए। इसकी पैकिंग देखिए, मतलब एक लिपस्टिक है और उसकी पैकिंग देखिए कितनी अच्छी है, तो मैं खोल के दिखाती हूँ इसको। इसको खोलना, इतनी बुरी पैकिंग है, बाप रे, लिपस्टिक एक लिपस्टिक के लिए इतनी ज़्यादा पैकिंग। सीजर से काटना पड़ेगा लग रहा है। मैंने फैन ऑफ किया, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है मुझे। फाइनली स्क्रैच एंड विन, इसमें एक कार्ड भी मिला है, इसको स्क्रैच करना है, अगर हम लकी होंगे तो उसमें कुछ मिलेगा। और ये फाइनली लिपस्टिक, शेड क्या था, मैंने लाइट शेड मंगाया था स्कूल के हिसाब से, क्योंकि स्कूल में डार्क शेड नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा शेड। इसका जो नेट वेट है 3 ml है, 3 ml लिपस्टिक है इसमें, मैट लिपस्टिक है, क्रीमी स्ट्रक्चर है इसका। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, तो इसका ये शेड है, ये देखिए पीच पीच टाइप का कलर है, ये बहुत काफ़ी मतलब बहुत अच्छा, हमारे स्कूल में हर किसी ने मंगवाया है ये, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर करके।
कुछ इस टाइप का कलर ये फैल गया है, बाद में फिर कभी आपको ला के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये माई ग्लैम का है ये, इसमें श्रद्धा कपूर जिसका ऐड देती है। तो चलिए ठीक है, अभी मैं कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर शाम को मिलूँगी आपसे। और ये शाम की क्लिप है, जब आप देख सकते हो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, कहीं चली गई थी, तो जिसके चक्कर में मैं लेट हो गई थी। तो वहाँ देखिए चंद्र भगवान दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बस मैं उनको जल अर्घ दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी जो फलहार बनाया वो फलहार करूँगी। तो इस तरह से कुछ रहा आज का वीडियो, और आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर सच में यूट्यूब में सपोर्ट नहीं मिला फिर मैं अपने वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं इधर अपने जो चीज़ें लाइफ में चल रही उसमें फ़ोकस करूँ, जो होगा नहीं होगा उसके बारे में क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज़ यूट्यूब से तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ।